हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, अब एक साल में एक ही छुट्टी मिलेगी, एक बार मिलेगी। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नया कानून के मुताबिक। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, नहीं तो आधा अधूरी जानकारी दोस्तों खतरनाक होता है। वीडियो पूरा देखते नहीं हो और जस्ट मैं जो बोलता हूँ स्टार्टिंग में वो सुनकर आप फिर उल्टे सीधे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। तो जैसा मैं बताया दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मोहरे से किसी ने सवाल किया कि अगर मान लिया आपको पता है कि यहाँ पे जो एक साल के रूल के मुताबिक एक साल से मतलब एक साल में लगभग 90 दिन से ऊपर छुट्टी मिलता है वर्करों को, आपको फ्राइडे मतलब हफ्ते में एक छुट्टी मिलता है, महीने में 4 छुट्टी मिलता है, इस तरह से अगर जोड़ा जाए दोस्तों तो 90 दिन का लगभग 90 दिन से ऊपर छुट्टी मिलता है। कुछ हॉलीडे में मिलता है, कोई नेशनल डे का छुट्टी, ईद का, बकरीद का, ये टोटल मिला के। तो लोग, ये जो भाई ने सवाल किया था और बताया था मोहरे से, ये मेरे से सवाल नहीं था दोस्तों, मोहरे से, तो उसमें एक आर्टिकल आया था, बताया गया कि ये भाई ने बोला कि क्या मैं सारे छुट्टी एक साथ ले सकता हूँ, जो छुट्टी है मैं उस छुट्टी में काम करता हूँ, ओवर टाइम भी करता हूँ और मैं काम करते रहता हूँ या काम करना चाहता हूँ, और मुझे ये एक साल में 3 महीने का एक साथ छुट्टी चाहिए, वो भी पेड लीव, क्या मिल सकती है? तो मोहरे ने सवाल जवाब दिया कि ये बिल्कुल ये नहीं है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, अगर कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है, गवर्नमेंट के तरफ से इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये कंपनी की मर्जी है कि एक बार अगर चाहे तो पूरा छुट्टी दे सकती है, क्योंकि आपको संडे काम, उसका काम अर्जेंट होगा, कोई प्रोजेक्ट अर्जेंट होगा, तो वहाँ पर अगर आप चाहो तो आपको पता है कि यहाँ पर संडे छुट्टी है तो संडे को भी जा सकते हो काम में, तो उसके बदला में क्या कंपनी छुट्टी दे सकती है एक साथ 3 महीने का, क्योंकि एक साल में 3 महीने का छुट्टी है। तो जैसा मैं बताया कि मोहरे ने सीधा इसे खारिज कर दिया और बताया कि ऐसा नहीं है, कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी चाहे तो दे सकती है, कंपनी चाहे तो नहीं दे सकती, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो ये छोटी सी अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जिस कंट्री में रहते हो, जिस देश में रहते हो, वहाँ का नियम कानून आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी था, मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।